पग पग पोखरी माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुख पान, मछली मखाना और पान, यही तो मिथिला की पहचान है। जी हाँ, विश्व का 90% मखाना कोसी के 6-7 डिस्ट्रिक्ट में सीमित है। इसी मखाना को लेकर के देश ही नहीं विदेश तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं वो मनीष आनंद जी हैं। मखाना के बहुत सारे उत्पाद, बहुत सारे फ्लेवर्स में अनेक प्रकार के उत्पाद बना करके आज मार्केट तक जो पहुंचाने का काम कर रहे हैं उनसे हम आज बात करेंगे। मैंने अपनी कंपनी शुरू की कि हमें कुछ करना चाहिए अपने कंट्री अपने स्टेट के लिए जहाँ से मैं आता हूँ, और वहाँ पे हमने देखा है कुछ खास करने को नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इंडस्ट्रीज तो कुछ खास है नहीं इसमें, ना कोई ऐसा रॉ मटेरियल है। तो वहाँ पे दो मुझे लगा कि किया जा सकता है, एक तो सर्विस इंडस्ट्री और दूसरा फूड प्रोसेसिंग का। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ फूड प्रोसेसिंग पे कुछ काम किया जाए, और उसके बाद हमने कंपनी फॉर्म की मिथिला नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड। आइए जानते हैं मनीष आनंद जी का बिजनेस मॉडल क्या है। हम लोग फूड प्रोसेस कर रहे हैं, तो हमने जब शुरुआत की थी तो कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग ने फार्म भी किया था साथ में, क्योंकि क्या होता है कि जब आप फार्म करते हैं तो आपको पता होता है कि आप उसका फार्मिंग कैसे कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कर रहे हैं या आप नेचुरल कर रहे हैं, या आप कितना यूरिया पोटाश या इस तरह की चीज़ें आप डाल रहे हैं जिससे कि फूड का जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है और उसका जो करेक्टरिस्टिक वो क्या चेंज होता है नहीं होता है, वो हम लोग पता करते रहते थे। तो हम लोगों ने जब इसको शुरुआत की तो हम लोग साथ में हर साल हमने लैब टेस्ट भी कराया जस्ट टू सी कि क्या डिफरेंस आता है प्रोडक्ट्स में, क्या डालने से क्या डिफरेंस आता है। तो इसके बाद अभी हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स खुद कर रहे हैं, बट हम लोग इनफैक्ट जो कुछ किसान वहाँ पे कर रहे हैं उनसे हम लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो हम लोग इस मॉडल पे भी काम कर रहे हैं। हमारा बिजनेस मॉडल सिंपल, अगर हम एक लाइन में बात करें तो अब तो यही है कि हम लोग लोकल प्रोड्यूस को लेते हैं, उसको हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं और उसको हम लोग बाजार में बेचते हैं, वो चाहे वो देसी बाजार हो या विदेशी बाजार हो। जैसा कि आपने देखा मनीष आनंद जी बहुत सारा वैल्यू एडिशन मखाना में कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज है, कौन कौन सा प्रोडक्ट, कौन कौन सा उत्पाद वो बना रहे हैं। प्रोडक्ट्स में मखाना है और मखाना से रिलेटेड प्रोडक्ट है जो हम लोग वैल्यू एडिशन करके बनाते हैं। तो मखाना में अब जैसे क्या है कि हम लोग 2 साल से हम लोग काम तो कर रहे हैं इसमें, लेकिन अपने ब्रांडिंग से कमर्शियल मार्केट में हम लोग लगभग 1 साल हम लोग को हुआ है। पिछले मई से हम लोग मार्केट में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था, ऑनलाइन ऑफलाइन भी कुछ शुरू किया था। तो उसमें हमारे पास जो है ये एक प्लेन मखाना है जिसको हम लोग फूल मखाना बोलते हैं, वो हैंड पिक सेलेक्टेड दाना है मखाना हमारे पास जो इसमें हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। तो उसके अलावा हमारे पास क्लासिक पाउच है जो कि कॉमन साइज मखाना होता है वो हम लोग देते हैं। मखाने का हम लोग मखाना जो आटा होता है पाउडर वो भी हम लोगों ने बनाया है, और इसको वेस्ट इंडिया में काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं अभी। प्लस अभी हम लोग मखाना खीर भी फाइनल स्टेज पे है, टेस्टिंग मार्केट टेस्टिंग वगैरह सारा कुछ हो चुका है, कस्टमर फीडबैक आ चुका है, कुछ हमने इम्प्रूवमेंट किया है और अब ये फाइनल प्रोडक्ट तैयार है। इसकी पैकेजिंग हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास मखाना खीर भी आ जाएगा। प्लस हम लोग मखाने में कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसको कि हम लोग डेली यूज में ला सकें, चाहे वो ब्रेकफास्ट ऑप्शन हो सकता है या स्नैक्स तो है ही है। उसके अलावा हमारे पास जो हम लोगों ने शुरू किया था वो रोस्टेड मखाना का फ्लेवर मखाना जो हम लोग ऑलिव ऑयल में करते हैं वो हमने किया था, तो अभी हमारे पास 2 साइज में उपलब्ध है, 12 तरह के हमारे पास फ्लेवर्स है। रेदर एक है हमारा जार में जो 85 ग्राम का है, और दूसरा है हमारे पास पाउच में 55 ग्राम का है। तो ये हैंडी पैक है, ट्रेवल आराम से इसको लोग यूज़ करते हैं और उसी हिसाब से इसका शेफ लाइफ भी बेहतर होता है, तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। हमारे जो उत्पाद की खासियत है वो ये है कि हम लोग अभी तक हम लोग हमारे बाग का आम ही यूज़ कर रहे हैं, जो हमें पता है कि वो बिल्कुल ऑर्गेनिक तो नहीं बोल सकते क्योंकि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, वो नेचुरल है, इसमें हम लोग कोई पेस्टिसाइड वगैरह नहीं डालते हैं अचार के लिए। उसके बाद हम लोग अगर मैं अचार की ही बात करूं तो हम लोग का जो दूसरा USP प्रोडक्ट का है वो ये है कि ये हम लोग ग्लास जार में देते हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक है उसमें अगर HDPE बॉटल नहीं है तो वो हेल्थ हैजार्ड है। इनफैक्ट स्टडी तो ये तक कह रही है कि वो कैंसरस होता है। तो हम लोगों ने जो ट्रेडिशनल तरीका है बनाने का उसको फॉलो किया है। उसके अलावा ये जो ग्लास है
हम लोग ग्लास जार में दे रहे हैं। ग्लास जार का मतलब ये है कि इसमें अब आप कितने साल भी रहिए, आपका ना कोई स्मेल आएगा ना कुछ आएगा। तो एक तो इस तरह की चीज़ें, उसके अलावा हम लोग जो ऑयल यूज़ करते हैं वो कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ करते हैं, ना कि हम लोग यू नो रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं। मखाने में अगर हम आते हैं तो हमारा मखाना जो होता है हम लोग हर साल टेस्ट कराते हैं, और हम लोग हमारा मखाना जो है वो हम लोग सर्टिफाइड करवाते हैं, तो टॉक्सिकेंस फ्री मखाना है। मतलब इसमें हमने 101 तरह के पेस्टिसाइड्स चेक कराए हैं लैब में, NABL इनेबल्ड लैब में हमने करवाए हैं, जो जो एक्रेडिटेड लैब है उसके हिसाब से 101 तरह के पेस्टिसाइड हमने चेक करवाए हैं, उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई मीन कोई बिलो डिटेंशन लाइन मिला है। उसके अलावा इसमें हैवी मेटल्स नहीं है और किसी तरह का भी हार्मफुल स्टफ नहीं है जिसको कि हम नहीं लिखते, इसीलिए हम लोग इसको सर्टिफाइड टॉक्सिकेंस फ्री मखाना लिखते हैं। दूसरा, हमारे प्रोडक्ट की जो खासियत है वो आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे न्यूट्रिशियस फैक्ट्स लिखा हुआ है वैल्यू, तो वो ट्रू वैल्यू है एज पर लैब टेस्ट, या जो FSSAI है उसका जो स्टैंडर्ड नॉर्म होता है वो देखते हैं। इनफैक्ट हम लोग प्रॉपर प्राइसिंग प्रिंट और बाकी चीज़ करके भेजते हैं रेदर। उसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट में हमारा बार कोड भी है, तो किसी भी मॉडर्न स्टोर में ये बहुत आसानी से इसको एक्सेप्ट किया जाता है और इसको लोग ले रहे हैं। किसी भी स्टार्टअप्स की एक USP होती है, तो मिथिला नेचुरल्स की क्या USP है, आइए जानते हैं। तो हमारी USP जिसको हम लोग बोल सकते हैं कंपनी की USP और ये प्रोडक्ट का USP ये है कि हम लोग हाइजीन मेंटेन करते हैं। हम लोग कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बेयर हैंड यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा हेडगेयर जो यू नो फूड ग्रेड यू नो हेडगेयर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, या ग्लव्स यूज़ करते हैं, या फीट कवर्स यूज़ करते हैं, तो जिससे कि इवन मास्क यूज़ करते हैं, जिससे कि किसी तरह का भी कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जब फूड हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हो या इसकी पैकेजिंग कर रहे हो उसमें ना जाए। हम लोग लॉन्च करने से पहले कस्टमर से फीडबैक लेते हैं या टेस्टिंग कराते हैं, चाहे वो एग्जीबिशन हो या हम लोग सैंपल कोरियर करके भेजें, उससे हमको पता चलता है कि लोगों का क्या टेस्ट है और इंडिविजुअली क्या टेस्ट है। और ये हम लोग ऑल अक्रॉस इंडिया करते हैं, अलग अलग इतने ग्रुप के साथ, या कुछ अब जैसे कोई महाराष्ट्रियन है या कोई साउथ इंडियन है तो उसको क्या टेस्ट आ सकता है पसंद, उस तरह से हम लोग उसको करते हैं और फिर उस हिसाब से हम लोग इसका प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं फाइनल पैकेजिंग के साथ। इस तरह के जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि हम लोग डिफरेंट कैसे हैं उनसे और अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसके 3-4 पॉइंट्स हम लोग बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग मार्केट रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करते हैं, टेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिससे कि कस्टमर को ये पता रहे कि हम लोग क्या लाने जा रहे हैं, तो इसी हिसाब से वो हमको एक ट्रू फीडबैक दे देता है। एक तो ये है। दूसरा, हम लोग जो है इनोवेटिव हैं वैल्यू एडिशन में, क्योंकि एक प्लेन प्रोडक्ट है उसमें हम क्या वैल्यू एडिशन करें कि कस्टमर को वो पसंद आए और उसमें एक बेहतर प्राइस भी हम लोग को मिल सकता है और मिलता है, तो इस तरह की चीज़ें हम लोग काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से हम लोग अलग हैं। और जैसा हमने कहा कि हम लोग सही वजन सही प्रोडक्ट, जैसे कि शेल्फ लाइफ इस तरह की चीज़ें नहीं होती है, इश्यूज नहीं आता है, तो हम लोग उसको ज़्यादा फोकस करते हैं और लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया है। जब भी आप बिजनेस शुरू करते हैं, जब भी आप एक स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं मनीष आनंद जी से कि जब उन्होंने शुरू किया तो कौन सी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा। जब मैं व्यापार के लिए जब हम संभावना तलाश रहे थे, तो मुझे जैसे मैंने बताया पहले बताया कि ये फूड प्रोसेसिंग में संभावना ज़रूर थी और है, लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि एलाइड उद्योग, जैसे अगर मान लीजिए हमने कुछ इंडस्ट्री लगाई, तो मुझे पैकेजिंग भी चाहिए, मुझे कार्टन भी चाहिए, पॉली पाउच भी चाहिए, स्ट्रैपिंग भी चाहिए, मशीन्स के पार्ट्स के भी चाहिए, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो एलाइड इंडस्ट्रीज़ में आ सकती हैं, उसके लिए उसका अभाव है। और या तो आप 100-200 किलोमीटर दूर जाके उसको लाओ, या फिर आप बड़े शहरों से उसको सोर्स करवाओ, तो ये एक समस्या है। या एक प्रॉपर एक इकोसिस्टम होना चाहिए कि कोई पाउच सप्लाई कर रहा है, कोई रॉ मटेरियल दे रहा है, कोई पैकेजिंग मटेरियल दे रहा है, कोई कुछ और दे रहा है, जिससे कि एक ओवरऑल जो है वो एक सिस्टम बने और काम हो। हो सकता है बड़े शहरों में हो, बिहार के पटना में हो, मुजफ्फरपुर में हो, या कहीं और हो, शायद दरभंगा में भी हो, बट डेफिनेटली मधुबनी और जहाँ हमारा फैक्ट्री है उस आसपास में तो डेफिनेटली नहीं है। इसमें जो चैलेंजेस हम यही फेस करते हैं, मुझे लगता है कि सरकारी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो जो सिस्टम है वो बहुत लथार्जिक है, बहुत स्लो है। वो मुझे लगता है कि यंग ब्लड आजकल कुछ आ रहे हैं तो वो फिर भी समझते हैं चीज़ों को, हालांकि सिस्टम इतना ज़्यादा रोटन है कि उसमें कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधे वो एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है। तो खैर एनीवे वो हम लोग को पता है कि ऐसी चीज़ है और ये समस्या है, फिर भी हम लोग वहाँ जा रहे हैं, तो हमारे लिए कोई अननोन टेरिटरी नहीं है ये सब चीज़ में, पर समय के साथ हम लोग कर लेंगे। तो इसीलिए बट हमारे साथ एडवांटेज ये है कि हम लोग
हमारा जो ऑफिस है वो दिल्ली एनसीआर में भी है या इवन जो बाकी बड़े शहरों में है, तो जिससे कि हम लोग सोर्सिंग और बाकी चीज़ें हैं वो मैनेज कर लेते हैं। यस, कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आता है, टाइम लगता है, बट एंड ऑफ द डे जो हम लोग जो चाहते हैं वो हम अचीव कर रहे हैं प्रोडक्ट में और चीज़ों में। बाकी मैन पावर की बात करें तो मैन पावर का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब या तो ठीक है बेरोजगारी वहाँ है, बहुत है, लोग कहते हैं रोजगार नहीं है, लेकिन जब रोजगार मिलता है तो वो करते भी नहीं है। फिर उनको अच्छा वही लोग जो बाहर जाएंगे तो फिर वो बहुत काम करेंगे, लेकिन बिहारियों के लिए बिहारी काम करना थोड़ा उनको मुझे लगता है कि चेंज होने की ज़रूरत है। इस ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कि चैलेंजेस है और लोगों को इसके लिए अपना माइंडसेट चेंज करना होगा जो अगर वहाँ पे नौकरी ढूंढ रहे हैं तो, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो कंपनियां जो आ रही हैं वो भी चली जाएंगी, तो उनको भी देखना पड़ेगा। अदरवाइज होगा क्या कि जो कंपनियां वहां सेटअप भी करेंगी वो वर्कफोर्स या मैन पावर है वो बाहर से लेके आएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है और मैं भी इसी पॉइंट पे काम कर रहा हूँ। मनीष आनंद जी की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, उन्होंने मखाना, जो कि एक ट्रेडिशन भी है मिथिला का, उसमें वैल्यू एडिशन करने का काम किया। दूसरा, सबसे जो महत्वपूर्ण काम किया, उसको मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पोजिशनिंग का बहुत ही अच्छे ढंग से काम किया है, जो दूसरे स्टार्टअप्स को भी करना चाहिए। तीसरा, उन्होंने एक बात कही है कि सर, हम ये पूरा ख्याल रखते हैं कि इसकी क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आए, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपनाया है। उसके अलावा उनका जो मेन फोकस है इसमें मार्केटिंग रिसर्च पे है, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट्स लाने से पहले वो उपभोक्ताओं के बारे में समझते हैं, उनकी नीड्स को समझते हैं, तब प्रोडक्ट्स को लाते हैं। उसके अलावा जो उन्होंने एक बात कही कि सर, बिहार जैसी जगह में एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को और सुधारने की आवश्यकता है, जिससे कि वहां पर इंडस्ट्री और हमारे जैसे स्टार्टअप्स और अच्छा काम कर सके। धन्यवाद।